जब हर महीने की 19 तारीख को आंगनबाड़ी केंद्रों पर अन्न प्राशन दिवस करने का आदेश पूर्व से ही प्राप्त है। हमारी बहुत सारी सेविका बहनों का यही होता है कि मैसेज नहीं आया तो हम भूल गए, तो ये तो वो, लेकिन गलत बात है। क्यों हम इंतजार करते रहें मैसेजेस का कि जब तक हमारे ग्रुप में अन्नप्राशन दिवस करने के लिए मैसेज नहीं आएगा तब तक जो है कि हम लोग अन्नप्राशन दिवस नहीं करेंगे। यदि इसी तरह से होगा तब अचानक जब जांच आ जाती है उस समय जो है कि सेविकाओं का इतने दिनों का किया कराया मेहनत सभी जो है कि पानी में चला जाता है। इसी तरह का आज मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि आज हमारे CDPO मैम के द्वारा हमारे परियोजना में लगातार अन्नप्राशन दिवस पर सभी आंगनबाड़ी केंद्रों का जो है कि जांच किया गया। उन्होंने सुबह के समय से ही लेकर के पूरे 1:30 बजे तक दर्जनों भर आंगनबाड़ी केंद्रों का अन्नप्राशन दिवस पर जो है कि निरीक्षण किया, और इसी क्रम में उन्होंने मेरे भी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाँच किया। तो वहाँ पर मैं आप लोगों को कुछ तस्वीरें दिखा रही हूँ और उनके सामने किस प्रकार से आंगनबाड़ी सेविका और हमारी कुछ बहनें उपस्थित थीं, और उसके साथ ही साथ जो है कि हमारी सहायिका के द्वारा और एक सेविका बहन के द्वारा भी कितने धूमधाम से अन्नप्राशन दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। इस अन्नप्राशन दिवस का यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और इसे अपने आंगनबाड़ी के अन्य व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज़रूर शेयर करें ताकि सभी बहनों को कुछ थोड़ा बहुत हिंट मिल सके कि अन्नप्राशन दिवस पे किस प्रकार का कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं और कैसे जो है इसे यूनिक बनाया जा सकता है, कैसे जो है कि इसे अच्छे तरीके से हम लोग कुछ ना कुछ सुधार करके बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि संदेश देना ही ज़रूरी नहीं है, सही तरीके से संदेश देना बेहद ज़रूरी है। बेहद ही सुंदर तरीके से अपने गानों के द्वारा सेविका और सहायिका दोनों ने प्रोग्राम को सफल किया। उपस्थित सभी सेविका बहनों को और सहायिका को भी बहुत बहुत बधाई।